जुब्बल कोटखाई उपचुनाव के लिए सियासत गर्मा गई है। जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जुब्बल के खड़ा पत्थर में जाकर चुनावी ताल ठोकी, तो वहीं शिमला में कांग्रेस के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार बौखलाहट में जुमलों और कोरी घोषणाओं की बारिश कर रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने पीडब्ल्यूडी मंडल कोटखाई के लिए सृजित पदों में से मात्र ड्राफ्टमैन का ही पद भरा है और तहसील टिक्कर में गत 2 वर्षों से तहसीलदार का पद तक नहीं भरा गया है। उन्होंने कहा कि कोटखाई में कॉलेज व ट्रॉमा सेंटर की घोषणा कोरी साबित हुई है। सीआरएफ, पीएमजीएसवाई, नाबार्ड व वर्ल्ड बैंक की योजनाओं में से जुब्बल कोटखाई को कुछ नहीं मिला है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से बागवानों को जो राहत देनी चाहिए थी उन्हें नहीं दी गई। बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से बागवानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को मंडी ले जाया जा रहा है। सेब पैकिंग सामग्री पर 25 से 30% की बढ़ोतरी की गई है। रोहित ने कहा कि क्षेत्र के लिए बीजेपी ने 3 CA स्टोर रद्द किए। उन्होंने कहा कि 3.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जुब्बल कोटखाई के लिए कुछ नहीं किया। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धनबल पर चुनाव जीतने का प्रयास करेगी, लेकिन उनके साथ जनबल है और जुब्बल कोटखाई में जनबल की ही जीत होगी। इन 3.5 वर्षों के दौरान जुब्बल नावर कोटखाई की घोर उपेक्षा हुई है, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप बागवानी की बात करें, पेयजल क्षेत्र की बात करें। जहां मैं सड़कों का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड, जो हमारी ऊपरी शिमला की जीवन रेखा है, और मैं तो अक्सर भाजपा के लोगों को कहता हूं कि आपकी उपलब्धि मैं तब मानूंगा अगर अपने कार्यकाल के दौरान जो 8% के आसपास कार्य शेष रहा है आप इसको मुकम्मल करते हैं। मात्र 8 पुल बनने थे, 8 में से भी 5 पुल ऐसे हैं जो आपके लगभग 50% बन चुके थे। वर्तमान सरकार इन 3.5 वर्षों में उसको भी करने में विफल रही। सेंट्रल रोड फंड के तहत जहां पूरे प्रदेश को 941 करोड़ के आसपास की राशि मिली है, जुब्बल कोटखाई की एक भी स्कीम स्वीकृत नहीं हुई। पीएमजीएसवाई के तहत लगभग कोई 2293 करोड़ की स्कीमें पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई, जुब्बल कोटखाई कहीं उल्लेख नहीं है। आपका लगभग 1450 करोड़ के आसपास की राशि नबार्ड के लिए, आपकी 333 आपके प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, उसमें भी जुब्बल कोटखाई का उल्लेख नहीं। इसी तरह से जो हमारे जिला शिमला, आपका सिरमौर, सोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी, छैला नेरीपुल, यशवंत नगर, सोलन, ओचघाट, कुम्हारट्टी रोड, जिसको हमने वर्ल्ड बैंक फेज 2 के तहत डाला था, लगभग कोई 770 करोड़ के आसपास की राशि वर्ल्ड बैंक फेज 2 के तहत स्वीकृत है, उसको भी वर्तमान सरकार ने डिलीट कर दिया है। उसकी महत्वता को समझा नहीं, जिसको हॉर्टिकल्चर रोड भी कहते हैं। चाहे आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, जहां कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 13 हेल्थ इंस्टीट्यूशन जुब्बल कोटखाई में खोले गए, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 17 PSCs आपकी हिमाचल प्रदेश में बंद की, जिसमें से 7 तो आपकी जुब्बल कोटखाई और जिला शिमला में है, जो दर्शाता है कि कितनी घोर उपेक्षा हमारे क्षेत्र की इन 3.5 वर्षों के दौरान हुई। आज बागवानी क्षेत्र, क्योंकि हमारा क्षेत्र सेब बाहुल्य क्षेत्र है, प्राणा में अगर हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है उसके पीछे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की सोच थी, मैडम स्टोक्स की सोच थी कि 1134 करोड़ का हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुआ था, लगभग 91 करोड़ के आसपास की राशि हमारी प्रोसेसिंग प्लांट प्राणा के लिए स्वीकृत हुई है। ये अब मैं देख रहा था कि हम स्वागत कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से मशीनरी आपकी प्राणा पहुंच रही है। इससे पहले भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान कार्टन फैक्ट्री प्रगति नगर में लगी थी, वहां पर भी जापानीज और जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीनें थी, उसको भी वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपका नागपुर पहुंचाया गया। आपकी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पे सब्सिडी बंद कर दी गई है। आपका जो पैकेजिंग मटेरियल था वो 20 से 25% बढ़ चुका है। हर तरह से मैं समझता हूँ जनता जनार्दन को इन 3.5 वर्षों के दौरान घोर निराशा मिली है। जुब्बल नावर कोटखाई की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, परिपक्व है। मंत्री हमारे क्षेत्र में 1960 के दशक में बन गए थे, 1970 के दशक में मुख्यमंत्री बन गए थे, और आज वो मैं समझता हूँ अपने एज टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। जनता जनार्दन समझती है कि पिछले वर्ष भी आप अक्टूबर 2020 में आए थे, ये जो घोषणाएं अब कर रहे हैं आप, ये पिछले वर्ष भी कर सकते थे, क्योंकि अब चुनाव को मात्र कुछ दिन या महीना शेष रह गया है, तो सब समझते हैं। जनता मैं समझता हूँ भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता सब समझती है।